हैंड सैनिटाइजर के खिलाफ जामताड़ा में जारी हुआ फतवा। मुस्लिम धर्मगुरु का बयान, हैंड सैनिटाइजर इस्लाम के खिलाफ। अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का उपयोग इस्लाम में हराम। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हाथों की सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथ साफ नहीं रहने पर कोरोना का संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। यही वजह है कि डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि लोग लगातार हाथ साफ करते रहें ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। हैंड सैनिटाइजर के बिना कोरोना के खिलाफ लड़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जामताड़ा में पोखरिया जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद सुफियान हैंड सैनिटाइजर को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। इमाम मोहम्मद सुफियान ने कहा, हैंड सैनिटाइजर में मिलाई जाने वाली शराब को हदीस में तमाम बुराइयों की जड़ बताया गया है। आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। खुद हमारा मुल्क हिंदुस्तान में ये वायरस बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। यहाँ की हुकूमत ने उसकी रोकथाम और उससे बचाव के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसका पालन करना हर एक के लिए नहायत ही ज़रूरी है। लेकिन उसमें एक चीज़ सैनिटाइज़र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 60% उसमें अल्कोहल यानी शराब की मिलावट है, जबकि शराब हमारे मज़हब इस्लाम में हराम है और हदीस में बताया गया है उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब का पीना, उसका बेचना या दवाई के तौर पर उसका इस्तेमाल करना हराम और नाजायज़। अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर को इस्लाम में हराम बताए जाने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अब हाथों की सफाई के लिए लोग इसकी जगह अन्य तरीकों पर भी चर्चा करने लगे हैं। हालांकि महामारी विशेषज्ञ बताते हैं कि जो लोग अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वो साबुन, डिटर्जेंट, नीम युक्त साबुन भी उपयोग में ला सकते हैं। मैक्सिमम जो यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर ही यूज किया जाता है। परंतु जहां तक कोरोना से लड़ने की संभावना है, जो सैनिटाइजर्स का यूज किया जाता है, मेरे समझ से सबसे अच्छा है कि डिटर्जेंट का यूज किया जाए, डिटॉल साबुन का यूज किया जाए या नीम युक्त साबुन का यूज किया जाए, जो बेहतर हो। जो भी हो, मकसद है कोरोना से बचना और सबसे पहले अपनी और दूसरे की जान को बचाना। हैंड सैनिटाइजर के लिए जो जंग छिड़ी है, उसमें इस बात का ख्याल रखें कि हमें कोरोना महामारी से खुद को बचाना है, सुरक्षित रहना है। लिहाजा किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि जरा सी असावधानी आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जामताड़ा से देवाशीष भारती, बिहार तक।